हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 20 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल 2019 तक के करंट अफेयर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और साथ ही साथ जो है ये हमारे करंट अफेयर्स जो हैं वन लाइनर होंगे, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज होस्टिंग द 23rd एडिशन ऑफ द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यानी कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये मेजबानी कर रहा है दोहा शहर, जो कि कतार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच नेशन हैज डिक्लेयर्ड नेशन वाइड एमरजेंसी आफ्टर सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट रिप्ड थ्रू इट्स चर्चिज एंड लग्जरी होटल्स ऑन द ओकेजन ऑफ ईस्टर ऑन अप्रैल 21st 2019, यानी कि 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर के अवसर पर अपने चर्चों और लग्जरी होटलों के माध्यम से आत्मघाती बम विस्फोटों के बाद किस देश ने देशव्यापी आपातकाल घोषित किया है? उस कंट्री का नाम है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच नेशन हैज डिसाइडेड टू एंड सैंक्शंस वेबर्स फॉर ऑल इंपोर्टर्स ऑफ ईरानियन ऑयल, यानी किस देश ने ईरानी तेल के सभी आयातकों के लिए प्रतिबंधों को समाप्त करने का फैसला किया है? तो वो नेशन है यूनाइटेड स्टेट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, विच नेशंस कैबिनेट हैज अडॉप्टेड नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी 2031, यानी कि किस देश की कैबिनेट ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2031 को अपनाया है? तो वो नेशन है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हु वन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2019, यानी कि यूक्रेनी राष्ट्रपति चुनाव 2019 में किसने शानदार जीत दर्ज की है? उनका नाम है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हेन द ग्लोबल अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि ग्लोबल अर्थ डे हर साल कब मनाया जाता है? अर्थ डे जो है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो है पृथ्वी के एनवायरनमेंट को सपोर्ट और प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए जो है ये हर साल 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो है यानी कि 2019 का थीम है अर्थ डे का, वो है प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, यानी कि हमारी प्रजातियों की रक्षा करना जो है इस बार का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, विच रैंक वॉज फेच्ड बाई इंडिया ऑन EIU कैंसर प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2019, यानी कि EIU के कैंसर की तैयारी सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है 19th रैंक मिला है। EIU का जो फुल फॉर्म है वो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जहां पर जो है ओवरऑल रैंकिंग में इंडिया 19वें स्थान पर है, जबकि कैंसर पॉलिसी एंड प्लानिंग में जो है इंडिया 17वें स्थान पर है, यानी कि 17th प्लेस पर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द वुमन एस्ट्रोनॉट हु इज अबाउट टू सेट अ रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट, यानी कि उस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो सबसे लंबे समय तक सिंगल स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाने वाली हैं। तो उनका नाम है क्रिश्चियना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया, यानी कि भारत में हर साल सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 21 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री विल होस्ट द एनुअल G20 लीडर्स समिट इन नवंबर 2020, यानी कि नवंबर 2020 में वार्षिक G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी करेगा सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पोलिंग फॉर द थर्ड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस 2019 वाज हेल्ड ऑन अप्रैल 23rd 2019 फॉर हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल 2019 को कितने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुआ था? तो ये जो है 117 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुआ था जो लोकसभा का थर्ड फेज है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड कंटेम्प्ट नोटिस अगेंस्ट विच पॉलिटिशियन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राजनेता के खिलाफ अपमानना नोटिस जारी किया है? वो लीडर हैं राहुल गांधी।
क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्टर सनी देओल हैज ज्वाइंड विच पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि अभिनेता सनी देओल जो है किस राजनीतिक दल में शामिल हो गए हैं। तो ये शामिल हुए हैं बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव गोन टू पोल्स इन उत्तर प्रदेश इन दी थर्ड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस, यानी कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है 10 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर्मर क्रिकेटर गौतम गंभीर हैज बीन फील्डेड बाय द बीजेपी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को भाजपा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है। वो प्लेस है ईस्ट दिल्ली, जहां से जो है गौतम गंभीर चुनाव लड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, दी कांग्रेस हैज फील्डेड विच स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी टू टेक ऑन बीजेपी रमेश भिदुरी, यानी कि कांग्रेस ने भाजपा के रमेश भिदुरी को लेने के लिए दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से कौन सा खिलाड़ी मैदान में उतारा है। तो वो प्लेयर हैं जो कि बॉक्सर हैं, विजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, यानी कि हर साल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 23 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 18 है, दी आयुष मिनिस्ट्री रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉरपोरेशन इन रिसर्च एंड एजुकेशन इन एरियाज ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, यानी कि आयुष मंत्रालय ने हाल ही में चिकित्सा के पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री इज होस्टिंग द एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2019, यानी कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। सो फ्रेंड्स, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 की जो मेजबानी देश कर रहा है वो है चाइना। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने कुछ करंट अफेयर्स को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो जो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है, आप जो है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए।